हाउ वी शेयर ओनली सिलेक्टेड सेल्स विद अदर्स इन गूगल शीट, मतलब हम सिलेक्टेड एरिया को, जैसे ये जो एरिया है जिसमें डाटा फीड हो सकता है, इसको ही हम यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि जब भी आप गूगल शीट को किसी के साथ शेयर करते हो तो आप जहाँ पे आपको नहीं भी चाहिए वहाँ पे भी वो डाटा एडिट कर देते हैं। जैसे ये डेट का कॉलम है, आप चाहते हो इस डेट को तो चेंजेस चाहिए ही नहीं, इसके सामने एम्प्लाई वन अपना डाटा फीड करे, यहाँ पे एम्प्लाई टू फीड करे, एम्प्लाई थ्री करे, मगर वो क्या करते हैं, इस डेट्स को भी चेंजेस कर देते हैं, गलती से कर लेते हैं या जानबूझ के कर देते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, इस कॉलम को जहाँ पे आपको चाहिए भी इसको तो एज इट रखना है, इसमें चेंजेस करनी नहीं है, तो उसको क्या कर सकते हो, आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, लॉक कर सकते हो, एक तरह का लॉक लगा सकते हो भी ये डाटा चेंजेस ना हो, इन बिटवीन भी कर सकते हो, साइड पे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने जिस डाटे को आपको प्रोटेक्ट करना है, इसमें कोई चेंजेस कोई भी यूज़र ना कर सके आपके बिना, तो उसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद डाटा में जाके प्रोटेक्ट शीट्स एंड रेंजेस का ऑप्शन है, इसमें इसकी परमिशंस सेट कर दो, ये रेंज है, ये रेंज हमने जो सिलेक्ट किया वो आ गई, तो इसकी परमिशन सेट कर लो। परमिशन का एक्सप्लेन करते हैं, परमिशन ओनली यू किया फिलहाल तो हमने, क्योंकि हम ही चेंजेस करें इसके लिए। अगर आप इस एक से आप चाहते हो कोई और भी आपका जो यूज़र है उसको थोड़ा बहुत मैनेज कर ले तो उसको आप एडिट भी कर सकते हो। तो आप स्पेसिफिकली एक सिंपल जो हमारा मेन प्रॉब्लम है उसको करते हैं, ओनली यू करके डन कर दो, तो ये वाला ए कॉलम में सिर्फ आप एडिट कर सकते हो, किसी के साथ भी इस गूगल शीट को शेयर करोगे वो इस कॉलम में एडिट नहीं कर सकेगा, ठीक है, जो इसकी परमिशन सेट होगी। तो इसका जो फर्स्ट रो है इसको भी हम प्रोटेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके डाटा में जाके प्रोटेक्ट एंड शीट पे क्लिक करोगे यही चीज़ निकल आएगी, ठीक है, इसमें आके ये रेंज आ गई और शीट वन टू वन इसको सेट परमिशंस कर दो, ओनली यू कर दो, दैट्स डन। तो ये वाला कॉलम, ए वाला कॉलम भी आपका प्रोटेक्ट हो गया और ये रो भी प्रोटेक्ट होगी। अब इस कॉलम पे भी कोई नहीं एडिट कर सकता, इस रो पे भी कोई एडिट नहीं कर सकता। अगर किसी के साथ शेयर करोगे तो या तो इस कॉलम में या सेकंड कॉलम में या यहाँ पे एडिट करेगा। अगर यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करेगा तो उसको व्यू ओनली दिखाएगा, अभी आपको इसको सिर्फ व्यू ओनली कर सकते हो, इसमें एडिट नहीं कर सकते। तो थर्ड उसमें क्या है, अगर आप चाहते हो वी इन बिटवीन कुछ एरिया, जैसे ये इतना सिलेक्टेड इसको भी चाहते हो, ये भी एड शीट करके सेट परमिशंस करके ओनली यू कर सकते हो, इस पर भी वो एडिट नहीं करेगा, ठीक है। इसमें और क्या हो सकता है, आप चाहते हो आज आपने 10 दिन का काम उनसे ले लिया है, ठीक है, 10 नहीं 15 कर दो, यहाँ तक तो है, 15 दिन का काम ले लिया, इसमें ना एडिट कर सके वो नेक्स्ट एडिट ही कर सके, तो इसमें आके एड शीट कर दो, सेट परमिशन कर दो ओनली यू की, तो वो हर वो चेंज कर सकते हैं इसको आप, ठीक है, 15 तारीख तक वो कोई चेंजेस नहीं कर सकेंगे, अगर वो एडिट करेंगे 16 16 यहाँ के बात कर सकेंगे। तो इस तरह आप स्पेसिफिक डाटा को लॉक कर सकते हो परमानेंटली। अगर आप ओपन करना चाहते हो तो स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट करो, यहाँ पे जो जितने भी आपने परमिशंस प्रोटेक्शन अभी हमने एडिट किया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया शीट वन का इतनी रेंज, ये रेंज रही है, ठीक है, इस पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ये जो कॉलम है ना यहाँ पे देखो डस्टबिन का ऑप्शन बना है, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है, इसको डिलीट करके रिमूव कर दो और नेक्स्ट डे आप इसको बढ़ा भी सकते हो, ठीक है जी। आप अब 16 तक का हमने प्रोटेक्शन करनी है, 16 पे जाके एड शीट सेट परमिशन, ठीक है, ओनली यू एंड डन। सिर्फ 16 के बाद की जो डेट्स हैं उस पर ही वो एडिट कर सकेंगे, यहाँ तक आपका जो डाटा है वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया, लॉक हो गया, ठीक है, इसमें कोई भी यूज़र ऐड नहीं कर सकेगा, ये डेट में भी नहीं कर सकेगा, ये तो उन्हें कर ही दिया था, और इसमें भी अगर आप स्पेसिफिक एरिया चाहते हो तो वो भी लॉक हो जाएगा, उसके लिए आपको ये ऑप्शन यूज़ करना है। तो अभी भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग रह गई है तो आप कमेंट कीजिए, या कोई और गूगल शीट के रिगार्डिंग क्वेरी है वो कमेंट कीजिए, उसको हम आपको रिप्लाई देंगे कोई वीडियो के थ्रू या किसी और, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।